हेलो गाइस। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि मई 22 की सीए एग्जामिनेशन की डेट शीट जो है वो अनाउंस हो चुकी है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आपको अपना रिवीजन पैटर्न जो है वो सेट करना है, कितने आपको रिवीजन करने हैं, कब आपको क्लासेस खत्म करनी है एंड ऑल दैट स्टफ। तो स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंकुश श्रीमार एंड आई एम ऑल इंडिया रैंक 5 CA इंटरमीडिएट, ऑल इंडिया रैंक 32 CA फाउंडेशन। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो पिछले वीडियोस भी जरूर देख लेना, आप लोग मुझे जानते ही होंगे। आपका वक्त जाया ना करते हुए जल्दी से मैं आपको ये डेट शीट दिखा देता हूँ जो आपको अभी स्क्रीन के ऊपर दिख रही होगी। सो दिस इज द डेट शीट ऑफ द CA ऑल लेवल मई 2022 एग्जाम। सो पहले बहुत कॉन्ट्रोवर्सीज हो रही थी इसके पीछे की क्या मई में होगा, जून में होगा, बहुत सारा कन्फ्यूजन भी था। देन आई से डिसाइडेड टू कंडक्ट इन द मिड मे। सो हियर इज द डेट शीट। इसके हिसाब से आपको जो भी अपने आगे की प्लानिंग है वो करनी है। तो दिस पर्टिकुलर सीरीज विल बी डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। द फर्स्ट विल बी दिस वन, जिसमें मैं आपको फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, फाइनल, भले आप कोई सा भी लेवल दे रहे हो, भले आप कितने भी ग्रुप्स दे रहे हो, दिस वीडियो विल कवर ऑल द कॉमन पॉइंट्स विच यू नीड टू कीप इन माइंड व्हाइल प्लानिंग फॉर दीज लाइक 120 डेज और 115 डेज जो भी है आपके पास आपके एग्जाम तक। देन देर विल कम, देन सेकेंड वीडियो विल बी ऑन द स्पेसिफिकली फॉर द फाउंडेशन स्टूडेंट्स, कि उनको आगे का प्लान कैसे बनाना है। एंड देन द थर्ड स्टूडेंट विल बी थर्ड वीडियो विल बी बेसिकली ऑन द बोथ ग्रुप एंड द सिंगल ग्रुप। जो बोथ ग्रुप के लिए कर रहे हैं उनके लिए अलग वीडियो एंड अलग पार्ट, एंड देन जो सिंगल ग्रुप जा रहे हैं उनके लिए अलग पार्ट। सो लेट स्टार्ट विद दिस वीडियो कवरिंग ऑल द कॉमन पॉइंट फॉर ऑल द थ्री लेवल्स। सो सबसे पहला पॉइंट आता है मैक्सिमम रिवीजन का। एक बात जो है वो आपको ध्यान में रखनी है कि आपको जितना ज्यादा हो सके, जितनी बार ज्यादा हो सके चीजों को रिवाइज करना है। भले इसके लिए आप अपना पूरा सिलेबस नहीं कवर करते तो भी चलेगा। मेरी ये मतलब मैंने ये लाइन बहुत बार बोली हुई है, इट इज बेटर टू डू 60% सिलेबस 2 times देन टू डू 100% सिलेबस 1 time। आई विल रिपीट माई सेल्फ, इट इज बेटर टू डू 60% सिलेबस 2 times देन टू डू 100% सिलेबस 1 time। क्योंकि अगर आप एक बार अगर आपने सारा सिलेबस पढ़ लिया लेकिन उसको रिवाइज आपने 2-3 बार अच्छे से नहीं, मतलब जितने बार आपने अच्छे से नहीं रिवाइज किया है तो वो आपको रिटेन नहीं रहेगा और आप एग्जाम में भूल जाओगे। लेकिन वहीं अगर आपने 60% सिलेबस ही पढ़ा है लेकिन उसको एकदम अच्छे से रिवाइज किया है तो आपको वो एग्जाम में जरूर याद आएगा। एंड 60% ऑब्वियसली यू डोंट नो, मे बी कैरी 70-80% ऑफ द मार्क्स। सो दिस शुड बी योर स्ट्रेटेजी कि अगर आपके कुछ क्लासेस रह जा रही है, कुछ चैप्टर्स रह जा रहे हैं तो उनको छोड़ दो, उनको मतलब उनके पीछे पड़ के उनको खत्म मत करो। जैसे मैं एक चैप्टर है उसके पीछे आपने 5-6 दिन लगा दिए एंड देन यू आर रिग्रेटिंग द वेस्ट ऑफ योर टाइम। सो वैसा कुछ नहीं करना है आपको। आपको अगर आपके कोई चैप्टर्स छूट भी जा रहे हैं तो उनको छोड़ दो, बाकी जो चैप्टर्स आपके बच गए अभी उन पे ज्यादा फोकस करो। क्योंकि जितना ज्यादा आप रिवाइज करोगे उतना ही आपको एग्जाम में याद आएगा। मुझसे लोग पूछते भी है कि हाउ यू आर एबल टू स्कोर 95 इन ऑडिट एंड इको में आपने 40 out of 40 कैसे लिया इन द थियरी पेपर स्पेशली। सो दैट वॉज बेसिकली ऑफ द नंबर ऑफ रिविजन आई डिड। अगर मैं ऑडिट की बात करूं, मतलब मैंने सारे सब्जेक्ट के एटलीस्ट 5 mock test papers दिए थे एंड और रिवाइज करने का मेरा पैटर्न क्या होता था, जैसे अगर मैंने आज जितने भी मैंने टॉपिक्स पढ़े हैं ऑडिट में वो मैं रात को एक बार सोने से पहले 1-1.5 घंटे जो मैं उनको एक बार ओवरसी कर लेता था, फिर सुबह उठ के वही लास्ट लास्ट डे मैंने टॉपिक्स पढ़े थे उनको ओवरसी कर लेता था एंड देन नाइट ऑफ पढ़ता था, फिर लास्ट फिर सोने से पहले आज जो पढ़ा वो ओवरसी करता। दैट वॉज माई रिविजन पैटर्न। और फिर एग्जाम जब मेरी मॉक टेस्ट होने वाली होती थी उससे 1 दिन पहले मैं पूरा ऑडिट रिवाइज करता था एंड देन जब मेरी एग्जाम का दिन होता था वो भी 2 PM को स्टार्ट होती थी एग्जाम, तो उससे पहले जब मॉर्निंग का टाइम होता था उसमें मैं पूरा एक बार ओवरसी कर लेता था। सो दैट वे आई वॉज यूज टू लाइक मैं एक मॉक टेस्ट के लिए करीब 4-5 revision कर लेता था। सो इन अ वे यू कैन से दैट मैंने 20 revisions किए थे ऑडिट इको इनफैक्ट ऑल ऑफ द सब्जेक्ट, मतलब सारे सब्जेक्ट के मैंने अराउंड 20-20 revisions किए थे। सो दैट बिकॉज ऑफ दैट मुझे वो वर्डिंग्स याद रह पाए, जो कीवर्ड्स है वो याद रह पाए एंड मैं एग्जाम में वही लिख पाया, बिकॉज ऑफ दैट मेरे को मार्क्स मिले। सो आई वुड से कि अगर आपके चैप्टर्स को छूट भी रहे तो उनको छोड़ दो, बट कीप योर टारगेट टू गेट मैक्सिमम रिविजन आउट ऑफ योर जो भी आपका टाइम है उसमें।
देन द सेकेंड वुड बी द एवरेज डेली आवर्स. लाइक ये बहुत बच्चों का कन्फ्यूजन रहता है, बहुत पूछते भी मुझसे कि क्या जरूरी है हमें सीए में मतलब 14 to 16 आवर्स ही पढ़ना पड़ेगा क्योंकि अब एग्जाम आ गए. तो सो दैट इज ऑल अ ब्लफ. मतलब 14 to 16 आवर्स, यू आर नॉट अ मशीन. क्या 14 to 16 आवर्स हर रोज पढ़ेंगे? मतलब एक दिन दो दिन चलता है, लेकिन हर रोज पढ़ना इस बहुत मुश्किल काम है. और कोई कर भी रहा है तो बहुत स्ट्रेस वाला काम हो जाता है ये. मैं क्या वॉट आई यूज टू प्रेफर, आई वुड सजेस्ट यू कि आप भले 10 या 12 घंटे ही पढ़िए, एवरेज एवरेज की बात कर रहा हूँ, 10 या 11 घंटे पढ़िए, लेकिन पूरा एकदम कंसंट्रेशन के साथ पढ़िए. मतलब उसके उस जिस टाइम आप पढ़ रहे हो उस टाइम आपके पास आपके दिमाग में और कुछ नहीं होना चाहिए, जो आप पढ़ रहे हो वही आपके दिमाग में होना चाहिए. सो उतना अगर आप कंसंट्रेशन से 10-12 घंटे पढ़ लेते हैं रोज, तो दैट वुड बी सफिशियंट इनफ, मोर देन सफिशियंट इनफ टू स्कोर अ रैंक और गुड मार्क्स इन योर सी एग्जाम्स. देन थर्ड इज कीप अ ट्रैक ऑफ योर टाइम, जो मैंने पहले भी सेकंड वाले पॉइंट में भी यही बोला मैंने कि कीप अ ट्रैक ऑफ योर टाइम. आप देखो आप कहाँ अपना टाइम ज्यादा यूटिलाइज करते हो, मेक योर टाइम टेबल, भले वो फॉलो नहीं होता. मेरा भी मैंने भी बहुत टाइम टेबल बनाया, बहुत बार फॉलो नहीं हुआ, इट्स नॉर्मल. मतलब भले आपका टाइम टेबल फॉलो नहीं होता, लेकिन फिर भी आप टाइम टेबल बनाओ. यू कीप रिमाइंडिंग ऑफ योर सेल्फ कि अब मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, यहाँ पे टाइम वेस्ट हो रहा है, वहां टाइम वेस्ट हो रहा है, आई शुड बी स्टडिंग इन दिस टाइम. क्योंकि भाई मतलब एग्जाम के बाद ऑल दैट मैटर्स इज योर मार्क्स. मतलब कोई नहीं पूछेगा आपसे कि हाउ मच बर्थडे पार्टीज यू हैव अटेंडेड, या आप कहाँ खेलने गए थे, कहाँ घूमने गए थे. नो वन वुड आस्क, द थिंग दे वुड आस्क इज वो हाउ आर योर मार्क्स. उसके मतलब अगर आपने खेल कूद करके भी मार्क्स अच्छे ले आए तो इट वोंट इम्पैक्ट कि भाई आपने खेल कूद नहीं किया था. तो खेल कूद नहीं किया, आपने बहुत ज्यादा पढ़ा, लेकिन फिर भी आपके मार्क्स नहीं आए, तो इट विल शो कि भाई आपने पढ़ा नहीं था, इसलिए आपके मार्क्स नहीं आए. सो दैट उसके बाद चौथा पॉइंट आता है कीप मोटिवेटिंग योर सेल्फ. कि मतलब इस जब आप पढ़ रहे होंगे देन देयर विल बी मेनी मोमेंट्स. मतलब बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स होंगे जब आपको ब्रेक डाउन फील होगा, लोनली फील होगा, लो फील होगा, यू विल मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, तो आपको खुद खुद के ऊपर गुस्सा आ रहा होगा, इरिटेशन हो रही होगी, ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी. मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ था, बहुत बार हुआ था. यू जस्ट हैव मतलब उस टाइम पे आप अपने आप के लिए खड़े होने चाहिए. यू शुड बी मोटिवेटिंग योर सेल्फ. आपको लाइक मतलब वो पंप अप करना है अपने आप को कि नहीं आई शुड बी डूइंग दिस. मतलब मैं ये कर सकता हूँ, आई कैन डू दिस, आई कैन स्कोर गुड मार्क्स, या मुझे इतने मार्क्स तो लाने ही है कम से कम. सो मतलब वो वाली चीजें जो है वो आपको खुद से बोलनी है, ताकि यू जस्ट आर ऑन अ ट्रैक. क्योंकि अगर आप किसी फ्रेंड के पास चले गए या किसी फ्रेंड से पूछ लिया, एंड अगर वो फ्रेंड भी उल्टा निकला, मतलब उल्टा इन द सेंस कि वो फ्रेंड भी ऐसा ही निकला जो पढ़ता नहीं है, या फिर वो जो मस्ती करता है बहुत, तो वो भी आपको कुछ गलत एडवाइस देके आपको भी उसके साथ वो फेल करवा सकता है. सो जस्ट कीप मोटिवेटिंग योर सेल्फ ड्यूरिंग दिस टाइम. देन मैंने बता, देन फिफ्थ पॉइंट विल बी मैक्सिमम रिविजन के ऊपर ही है कि आपको एटलीस्ट 3 रिविजन तो ट्राई करने चाहिए, कि आप हर एक सब्जेक्ट के एटलीस्ट 3 रिविजन्स, और हर एक रिविजन के बाद आपको एक मॉक टेस्ट पेपर देना है. तो एटलीस्ट 3 मॉक टेस्ट आपको हर एक सब्जेक्ट के देने हैं. दिस शुड बी योर टारगेट कि आपको एटलीस्ट 3 रिविजन्स करने हैं एंड एटलीस्ट 3 मॉक टेस्ट पेपर देने हर एक रिविजन के बाद में. क्योंकि इससे क्या होता है, मॉक टेस्ट पेपर देने से, मैं आपको सच बता रहा हूँ कि भाई आप कोई भी लेवल में हो, ऐसा मत सोचो कि मैं फाइनल में हूँ तो मुझे मॉक टेस्ट देने की जरूरत नहीं. आप कोई भी लेवल में हो, मॉक टेस्ट देना इज मैंडेटरी. मतलब इफ यू आर नॉट गिविंग मॉक टेस्ट, इट मीन्स यू आर कंसिडरिंग आईसीए एग्जाम्स एज योर मॉक टेस्ट. मतलब ये सुनने में बहुत हार्श लगेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, बट दिस इज ट्रूथ. मतलब अगर आप मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो तो आप ऐसा समझो कि आईसीए एग्जाम ही आपके लिए मॉक टेस्ट है. एंड फिर उसमें मॉक टेस्ट जैसे ही मार्क्स आते, पहली मॉक टेस्ट में मैं याद कर लो आपको कितने, अगर आपने कभी मॉक टेस्ट दी होगी तो याद कर लो आपको कितने मार्क्स आए थे. मेरी पहली मॉक टेस्ट में, इंटर में जो मैंने मॉक टेस्ट दी थी, वीएसआई की जो पहली सीरीज ऑफ मॉक टेस्ट दी थी, उसमें मेरे अराउंड 44-50 मार्क्स थे. एंड देन दे गॉट इंक्रीज टू 688 मार्क्स इन द आईसीए फाइनल एग्जाम. सो दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ मॉक टेस्ट. अगर आप मॉक टेस्ट देते हैं तो आप पास हो जाएंगे, मतलब यू यू विल गेट गुड मार्क्स. लेकिन अगर मॉक टेस्ट नहीं देते तो श्योरली यू आर प्लानिंग टू फेल. सो और एक लास्ट बात जो मैं आपको कहना चाहूंगा कि एक अगर आपने एक रिवीजन कर लिया, मतलब अगर आपने सारे सब्जेक्ट का एक रिवीजन जब भी आपने किया, भले आपने 2 महीने पहले, 1 महीने पहले एग्जाम से, कभी भी आपने एक रिवीजन पहला कर लिया, उसके बाद आपको कोई भी नई चीज नहीं पढ़नी है. जो आपने रिवीजन में पढ़ा है उसी को रिवाइज करना, नई चीजें मत लेना. ऐसा बहुत होता है लोगों के साथ कि वो पहला रिवीजन में तो कुछ और पढ़ते हो, फिर दूसरे रिवीजन से कुछ और, कोई नई बुक, कोई रेफरेंस बुक, कोई आईसीए मॉड्यूल, भले अगर उन्होंने पहले नहीं पढ़ी हो तो आईसीए मॉड्यूल उठा लेते हैं, या अपने नोट्स पढ़ने लग जाते हैं. सो ऐसा बिल्कुल मत करना. जो भी आप पहले रिवीजन में पढ़ोगे, जो भी आप अभी स्टडी के टाइम, सेल्फ स्टडी के टाइम पढ़ोगे, उसी को रिवाइज करना बार बार, ताकि वो चीजें आपके दिमाग में रहे. क्योंकि अगर अगर आप हर बार नई नई चीजें पढ़ोगे तो आपके दिमाग में कुछ नहीं रहेगा, एंड देन यू विल गो ब्लैंक इन योर एग्जाम हॉल. जैसा आपका अगर प्रीवियस को एक्सपीरियंस
एक्सपीरियंस होगा तो वैसा ही होगा. सो दैट वर ऑल द कॉमन पॉइंट्स विच आई वांटेड टू से कि आप ये मिस्टेक्स नहीं करें इस स्पेशली ड्यूरिंग दिस फेज, तो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा. एंड नेक्स्ट 2-3 वीडियोज आने वाली इसी सीरीज के अंदर, ताकि मैं आपको स्पेसिफिकली हर एक कोर्स के लिए, हर एक लेवल के लिए अलग अलग से गाइडेंस दे सकूं. सो डू वॉच आउट फॉर दैट. एंड अगर आपको वीडियो में कुछ भी वैल्यूएबल लगा हो तो प्लीज डू लाइक एंड कमेंट डाउन जो भी आपको टॉपिक्स अच्छे लगे, जो भी चीजें आप फॉलो करने वाले हो. तो मुझे भी अच्छा लगता है अगर आप ये ऐसे कमेंट करके मुझे बताते हो कि आई विल फॉलो दिस एंड आई विल फॉलो दिस. सो एंड ऑब्वियसली इफ यू विल लाइक देन द YouTube algorithm विल नो दैट दिस वीडियो इज वैल्यूएबल एंड इट विल गेन मोर रीच. सो अगर आपको अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो. एंड बस इतना ही था इस वीडियो के लिए. तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा. बस दुआ में याद रखना. थैंक यू. बाय.